सिख समाज को वास्तविक न्याय देने का कार्य किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया। जिस पांच कालिदास में रोजा अवतार की दावतें तो होती थी, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश आजादी की बात करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं और पूरा प्रदेश गुंडा माफियाओं के लिए शिमला बन चुका है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं ऐसे देशद्रोहियों को कि वो अभी सुधर जाए वरना 10 तारीख के बाद उनको बिलों में घुसना पड़ेगा। ये राष्ट्रवादियों की गर्मी है, ठंड तो हम लगवाएंगे। वो पाकिस्तान में सरकार बना सकते हैं इसकी हम लोग गारंटी ले सकते हैं। कहते भी पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है। वो दुश्मन देश नहीं है तो भाई जब वो वहीं की संतान है तो दुश्मन देश कैसे उनका होगा। देश 1947 में आजाद होता है, आज तक इतिहास के सिलेबस में जिस 2% सिख कौम ने देश और कौम के लिए सबसे ज़्यादा, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत हो और चाहे वो मुगल काल हो, सबसे ज़्यादा 80% कुर्बानियां सिख कौम ने दी हैं। लेकिन इतिहास के चैप्टरों में औरंगजेब महान, बाबर महान, हुमायूं महान, अकबर महान, जहांगीर महान, यही हम पढ़ते आए। हाँ, लेकिन आज जब मेरा योगी सरकार में आता है तो आज देखिए उत्तर प्रदेश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको सुन के खुशी होगी, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे हिस्ट्री में कंपलसरी कर दिया, छोटे साहब जादों का चैप्टर पढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह का चैप्टर पढ़ेंगे, गुरु तेग बहादुर का चैप्टर पढ़ेंगे, गुरु अर्जन देव जी का चैप्टर पढ़ेंगे। और मजे की बात, जो उन्होंने सिलेबस में हमारे इतिहास को जगह दी है वो जगह भी हमारे सिख विद्वानों से लिटरेचर लिखवाया है, ये ना कि स्वयं कहीं से टोड़ बोड़ के, नहीं, जो रियल हिस्ट्री है वो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, ये हमारे सम्मान है। आपको सुनकर खुशी होगी कि पिछले 5 सालों में हम लोग वहाँ पे 13 प्रोग्राम कर चुके हैं मुख्यमंत्री हाउस के अंदर। अब महाराज जी जब वहाँ हाउस के अंदर बैठते हैं, पगड़ी बांध के, दस्तार बांध के, पूरी कैबिनेट को भी बैठाते हैं, हमारे साथ कीर्तन सत्संग करते हैं और उसके बाद लंगर भी जमीन पर बैठ के छकते हैं, अपने तरफ से प्रबंध करते हैं। अब भ्रष्टाचार, लूट खसोट, माफियागिरी, आतंकवादियों को पनाह देना, इसके अलावा विकास क्या है अखिलेश का, आप बताइए। तो हमारे राम की शरण में वो भी आएंगे, योगी शरण में, कहीं उनको भाजपा में ना आना। कृष्ण जी की शरण पे तो आ गए, वो तो राम जी के पास भी आएंगे। जातिवादी राजनीति करते हैं और कृष्ण को एक जाति के जोड़कर वो अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं भूलेगा राम भक्तों पे किन्होंने गोलियां चलवाई थी। और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद नाम सुना होगा आपने, वो भी है यहाँ से, उन्होंने बोला भी था कि उनकी सरकार आएगी तो योगी जी जेल में जाएंगे, तो आप क्या कहें। देखिए रावण जब भी राम के सामने आया तो वो उसका खात्मा ही हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जिंदगी, मैं हूं आपके साथ आशीष श्रीवास्तव। कल यानी कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन भरा और आज गोरखपुर के मोहद्दीपुर में जो गुरुद्वारा है उसमें सिख समुदाय को संबोधित करने, तमाम सिख समुदाय को संबोधित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने जनसंपर्क भी किया। सीधे आपसे बातचीत कराते हैं, सर क्या नाम है आप? जी मैं सरदार परविंदर सिंह हूँ, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य हूँ। कितना अच्छा और कितना उत्साहित दिन है आज। देखिए सिख समाज के लिए बहुत गौरव का क्षण है, यहाँ पे गुरुद्वारा मोहद्दीपुर के बाहर जो आयोजित कार्यक्रम हुआ, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर, गुरुद्वारा जटाशंकर साहब, गुरुद्वारा पैडलीगंज साहब, सामने गोपाल मंदिर और जितना भी पंजाबी समाज, खत्री समाज के, उनके संयुक्त आमंत्रण पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए और उन्होंने गुरुद्वारा आके, मंदिर आके माथा टेका है और प्रभु का आशीर्वाद लिया है। मैं बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस प्रकार से उन्होंने सिख समाज के लिए, पंजाबी समाज के लिए, हम लोग के लिए कृत किए हैं, जो उनके हम लोग पे ऋण है, सारा जीवन हम लोग उसको उतार नहीं सकते और सिख समाज विश्वास दिलाता है कि पूरा भारत का सिख समाज माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश का सिख समाज 300 प्लस सीटों के साथ इस ऋण को उतारने की एक तृणमूल कोशिश करेगा। सर एक अफवाह भी फैली थी कि मतलब, और ये कहा भी जाता था कि सिख समुदाय थोड़ा बीजेपी से नाराज है, थोड़ा सा खफा है, इस बात में कितनी सच्चाई? मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, कतई नहीं। सिख समाज को वास्तविक न्याय देने का कार्य किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया। जिस पांच कालिदास में रोजा अवतार की दावतें तो होती थी, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश आजादी की बात करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो साहिबजादा दिवस घोषित करते हैं, कभी सिखों को अल्पसंख्यक का दर्जा और वो सम्मान तो दिया ही नहीं गया। वास्तव में जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, जिस प्रकार से लखीमपुर हिंसा के बाद गृह राज्य मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार करवाना और चार्जशीट फाइल हो जाना, ये उनकी न्यायप्रियता को दर्शाता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि भारतीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र के विरुद्ध उन्होंने, सिर्फ इसलिए देखते हो कि अगर उन्होंने गलत कृत्य किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की न्यायप्रियता का द्योतक है और पूरा सिख समाज, पूरा पंजाबी समाज उनके साथ है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को 300 प्लस सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री का पद पे सुशोभित करेंगे। कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आज सिखों की, पंजाबियों की हितैषी बनी हुई है, उस पर क्या? कांग्रेस हमेशा से सिखों की विरोधी रही है, आप 1984 का दंगा देख लीजिए, उसके बाद से सिखों को उत्पीड़न पे कितनी कार्रवाई हुई। आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिखों को न्याय दिलाने का काम किया है और
हमेशा ही क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हो, हमेशा सिख समुदाय के साथ रहे हैं और सिखों के साथ ही सहानुभूत भी रखते हुए उन्होंने सिख मर्यादा की परंपरा के अनुसार ही कार्य किया है। सर एक बात बताइए, जो नेहरू बदल के वीर बाल दिवस कर दिया गया उस पर आप क्या कहेंगे कि ऐतिहासिक दिन माना जाए? वो ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, हम पिछले कई वर्षों से गोरखपुर से उस डिमांड को शुरू किया था, हमने इसके लिए कई जुलूस निकाले, विरोध प्रदर्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जब सांसद जी थे तो उन्होंने हमारी इस मांग का समर्थन किया था और यहाँ के नगर विधायक ने भी समर्थन किया था, उसको इन लोगों ने अपना संघर्ष बना लिया और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को मौका मिला उन्होंने 27 दिसंबर को यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में साहबजादा दिवस मनाया, 2 साल मनाया, पिछले 2 सालों से लगातार मना रहे हैं। इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित कर दिया है, तो सिख समाज इससे बड़ी क्या डिमांड हो सकती है, इससे बड़ी दिक्कत है। वही विपक्ष का काम तो है, जब कोई मौका नहीं, काम करने का मौका नहीं, कुछ किया नहीं आज तक, सिर्फ सिखों को परेशान किया है। 1984 का दंगा भी हम लोग भूले नहीं हैं और उसके पहले भी 1947 से हमारे पास आए हैं, जब से पंजाब से पाकिस्तान से आए यहाँ पर हमको कोई भी पैसा, एक पैसा नहीं दिया गया है। आज हमने यहाँ पर जो भी बने अपने स्वयं के बल से बने हैं, हमको कोई किसी किस्म का ऋण नहीं दिया गया, कोई किस्म का कर्जा नहीं दिया गया है। जो अल्पसंख्यक आती थी वो सिर्फ एक वर्ग विशेष को सुविधाएं मिलती थी, हमको आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है, जब से मुख्यमंत्री जी बने हम लोगों को शुरू हो गया है मिलना, आगे मुख्यमंत्री जी के इस काल में हम लोग और ज्यादा उम्मीद करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर भी आज बन के बहुत अच्छे से तैयार, जो सालों से था, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे महाराज और बहुमत की सरकार बनाएंगे, पूरा गोरखपुर उनके साथ है, पूरा गोरखपुर पूरा समाज उनके साथ है। अखिलेश यादव और सपा और रालोद का गठबंधन भी है, क्या कहेंगे उसको लेकर, कुछ टक्कर में है? देखिए मैं गठबंधन, महागठबंधन, ठगबंधन इनके बारे में नहीं बोलना चाहता। हम लोग राष्ट्र के साथ चलते हैं और सर्व समाज राष्ट्र के साथ है और एक संत महात्मा उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति ने एक, जिस व्यक्ति का कोई मोह माया नहीं, जिसकी 23 करोड़ जनता ही जिसके पुत्र पुत्री और भाई बहन हो, ऐसे महान तपस्वी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 10 मार्च के बाद मुख्यमंत्री जी ने जो कहा ना कि हम शिमला बना देंगे, तो वो कल नामांकन के समय से आप देखिए कि पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरा जल वृष्टि हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और पूरा प्रदेश गुंडा माफियाओं के लिए शिमला बन चुका है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ ऐसे देशद्रोहियों को कि वो अभी सुधर जाए वरना 10 तारीख के बाद उनको बिलों में घुसना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं अगर इतना ही ठंड लग रही है तो चले जाएंगे, रजाई के अंदर ही चले जाएंगे। ये राष्ट्रवादियों की गर्मी है, ठंड तो हम लगवाएंगे। चलिए क्या कहेंगे सर, कितना आंकड़ा नाम? देखिए महाराज जी का गठबंधन उनकी जनता से हो गया है प्रदेश की, और कोई गठबंधन को हम लोग नहीं जानते हैं। जहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि दूसरे प्रत्याशी को जितने वोट से वो जीतेंगे उतने वोट से उनको अपनी जमानत बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी वर्तमान समय में नहीं है और ये आप लोग भी भली भांति जानती हैं। सवाल मैं इसलिए पूछे क्योंकि अखिलेश जी के सपने में कृष्ण जी आए थे, उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री बने, ऐसा है उन्होंने जो है जागते हुए सपना देखा था, सोते हुए सपना नहीं देखा था, पाकिस्तान में बनेंगे। देखिए वो सरकार वहाँ बना सकते हैं, वो पाकिस्तान में सरकार बना सकते हैं, इसकी हम लोग गारंटी ले सकते हैं। तो कहते भी पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है। वो दुश्मन देश नहीं है तो भाई जब वो वहीं की संतान है तो दुश्मन देश कैसे उनका होगा? क्या कहेंगे सर? मैं आपको बता दूं, संपूर्ण राष्ट्र एक साथ है और भगवान में है और हम लोग रोज आजकल एक गाना गा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। क्या नाम है सर? मैं जगनैन सिंह नेटू। एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने और संगठन ने मुझे इस कार्यक्रम का प्रभारी संचालक बनाया हुआ था। आज देखा जाए तो सिख कौम को कहीं ना कहीं एक तवज्जो दी जाती है, एक इज्जत दी जाती है। पहले के राज में ऐसा था, अखिलेश की बात की जाए प्रदेश में, तो क्या इस तरीके से लोगों को पद मिलते थे सिख समुदाय में? देखिए जहाँ तक सिख समुदाय को तवज्जो इज्जत की बात है, मेरे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो मेरे गुरुदेव भी हैं जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ, उन्होंने तो हमेशा इज्जत दी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत इज्जत दी है। जैसे मैं तो उन 4 नाम गिनाता हूँ, पहले मैं अखिलेश जी की बात कर लूँ। अखिलेश जी के बाद में हमारे यहाँ परविंदर सिंह आयोग, अखिलेश जी के राज में कभी कोई पंजाबी पगड़ी को, पंजाबी समाज को शासन में उतना महत्व नहीं मिला। और लेकिन योगी जब सरकार में आते हैं तो उन्होंने उन इलाकों में सरदारों को ढूंढ के किसी न किसी बोर्ड आयोग का मेंबर बनाया
उपाध्यक्ष बनाया, चेयरमैन बनाया, जिनकी संख्या जिन जिन इलाकों से कहीं बहुत कम है, बनते उन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता, उन्होंने पंजाबी अकेडमी पर ले गए। आज बीजेपी की सरकार में, योगी की सरकार में, आप सुन के हैरान हो गए कि चार कैबिनेट मंत्री सरदार हैं, एक राज्य मंत्री सरदार है, पांच लोग माइनॉरिटी कमीशन में हैं, छह लोग पंजाबी अकेडमीज में हैं, दो लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आज उत्तर प्रदेश का ये सिनेरियो कि पंजाबी समाज 20 से 22 जगहों पर रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट को, आज के पहले कभी नहीं होता था। ये सोच है, और ये सोच क्यों कि गुरु नानक, योगी आदित्यनाथ जी, गुरु नानक देव जी, सिख पंथ और गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत लगाव है उनका गुरु परंपरा से, क्योंकि नाथ परंपरा का भी जो महत्व है, गुरु शिष्य का जो हमारे सिखों में है, गुरु परंपरा, ऐसे गुरु परंपरा नाथ पंथ की, तो उस गुरु का महत्व समझते हैं। अब आप देखो, मैं विकास की बात करोगे, आज तक इतिहास के चैप्टर में 1952 में उत्तर प्रदेश बनता है, उत्तर प्रदेश 1952 में बना था और हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है। आज तक इतिहास के सिलेबस में जिस 2% सिख कौम ने देश और कौम के लिए सबसे ज़्यादा, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत हो और चाहे वो मुगल काल हो, सबसे ज़्यादा 80% कुर्बानियाँ सिख कौम ने दी हैं, लेकिन इतिहास के चैप्टरों में औरंगजेब महान, बाबर महान, हुमायूं महान, अकबर महान, जहांगीर महान, यही हम पढ़ते आए कांग्रेस के। हाँ, लेकिन आज जब मेरा योगी सरकार में आता है, तो आज देखिए उत्तर प्रदेश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आपको सुन के खुशी होगी, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे हिस्ट्री में कंपलसरी कर दिया, छोटे साहबजादों का चैप्टर पढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह का चैप्टर पढ़ेंगे, गुरु तेग बहादुर का चैप्टर पढ़ेंगे, गुरु अर्जन देव जी का चैप्टर पढ़ेंगे। और मजे की बात, जो उन्होंने सिलेबस में हमारे इतिहास को जगह दी है, वो जगह भी हमारे सिख विद्वानों से लिटरेचर लिखवाया है, ये ना कि स्वयं कहीं से टोड़ बोड़ के, नहीं, जो रियल हिस्ट्री है वो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, ये हमारे सम्मान है। अभी हमारी मांग चल रही थी बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के नाम, आपको सुन के खुशी होगी कि पिछली बार ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे आग्रह पे, हम लोगों के आग्रह पे 26 दिसंबर का दिन बाल दिवस घोषित किया, साहबजादा दिवस। लेकिन अभी खुशी हुई कि अभी इसी महीने मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख समाज और सिख कौम, सिख ऐतिहासिक बलिदानियों को इज्जत देते हुए 26 दिसंबर का दिन वीर बाल दिवस घोषित किया है। ये आज से पहले किसने सोचा था, जरा आप बता दीजिए मुझे, किसने सोचा था आज के पहले? आज के पहले मुख्यमंत्री निवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में रोजा इफ्तार तो होते थे, लेकिन कभी गुरु ग्रंथ साहब नहीं गए, कभी गुरुपर्व नहीं मनाया गया। आपको सुन के खुशी होगी कि पिछले 5 सालों में हम लोग वहाँ पे 13 प्रोग्राम कर चुके हैं मुख्यमंत्री हाउस के अंदर। अब महाराज जी जब वहाँ हाउस के अंदर बैठते हैं, पगड़ी बांध के, दस्तार बांध के, पूरी कैबिनेट को भी बैठाते हैं, हमारे साथ कीर्तन सत्संग करते हैं, और उसके बाद लंगर भी जमीन पर बैठ के छकते हैं, अपने तरफ से प्रबंध करते हैं हमारे सिख, चाहे वो साहबजादा दिवस हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी की जयंती हो, चाहे वो गुरु तेग शहीदी दिवस हो, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व हो, सारी चीज़ें आज 5 कालिदास के अंदर मनाई जाती हैं। आप बता दो ना, कौन सरकारें हमें पहले सोचती थी? अखिलेश का तो सोचता ही नहीं था कभी, मायावती सफेद टोपी पहन के, उनको एक चीज़ है, वो समाजवाद के नाम पर सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करना, परिवार को बढ़ाना, सिर्फ वर्ग विशेष की ओर ध्यान देकर उन्हें ही तवज्जो देना, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, माफियागिरी, आतंकवादियों को पनाह देना, इसके अलावा विकास क्या है अखिलेश का, आप बताइए। और जरा आप बताइए कि इस 5 सालों में 1722 के अंदर योगी आदित्यनाथ के विकास को देख लीजिए, ना केवल गोरखपुर, जो 5 साल बाद इस गोरखपुर पे आएगा ना, एक बार गोरखपुर सिटी देख के हिल जाएगा, अरे इतने चेंज। और आज पूरे यूपी में आप चले जाओ, पूरे यूपी में चले जाओ, पहले की सरकारों में हमें 10 से 12 घंटे बिजली मिलती थी, 8 घंटे मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली है पूरे प्रदेश में, ये योगी की अचीवमेंट है। आज पूरे प्रदेश में किसानों को फ्री राशन, आप देखो कोविड में जो हमारे योगी का मैनेजमेंट, आज तक किसका मैनेजमेंट ऐसा, एक ऑनेस्ट लीडर के रूप में जो लोग योगी की पहचान है, जो ऑनेस्ट लीडर के रूप में जो योगी को लोग देखते हैं, समझते हैं, मिलना चाहते हैं, आज आपने इस रैली में देखा होगा, हर आदमी टच करना चाहता था, उनको पास आना, बात करना, पैर छूना, ये जो उनके प्रति आस्था है ना, शायद यही है, क्योंकि संत हैं, सच्चे हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से शासन किया है, इसलिए यहाँ का किसान हमारे साथ है। और मैं वादा करता हूँ आपके चैनल पर कि जो हम 10 मार्च को रिजल्ट लाएंगे, याद रखना पिछले 2017 का इलेक्शन तो मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी ने लड़ा था, अब तो डबल इंजन की सरकार है, मोदी और योगी दो पावर। हाँ, हम कितनी सीटों से आएंगे इमेजिन करो। अगले सवाल ये चलती हूँ, कितना आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही बीजेपी, और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद नाम सुना होगा आपने, वो भी है यहाँ से, उन्होंने बोला भी था कि उनकी सरकार आएगी तो योगी जी जेल में जाएंगे, तो आप क्या कहें? देखिए, रावण जब भी राम के सामने आया तो वो उसका खात्मा ही हुआ। आप याद रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने जो रावण आया था ना,
वो तो कुछ योग्य भी था, संस्कारी था, विद्वान था, उसके उसको बहुत कुछ पता था है? लेकिन ये रावण जो आया है ये चूहा है मेरे योगी के सामने। और ऐसे रावण जब भी आएंगे और वो जो बोलेंगे, कहीं महाराज जी का एक भाषण सुना है ना 3 दिन पहले, आपने सुना ही होगा, दोनों मैं तो जून और जुलाई को भी मैं भी शिमला बना देता हूँ। 10 मार्च के बाद 24वें का 25वां घंटा नहीं होगा जो इस तरह के बेअदब बेअदब असम्मान रावण, ये रावण योगी जी का क्या करेगा इस रावण के खात्मे के लिए। तो योगी जी का, हम जैसे क्रांतिकारी अकेले ही बहुत हैं, आप खड़े हैं आप लोग, हाँ आप देखना इसी गोरखपुर की धरती पर ये रावण इतनी बुरी तरह योगी के पैरों पे के तले कुचला जाएगा, किसकी यूपी में सबसे बड़ी तरह किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। ताकतवर रावण, रावण ताकतवर होता है। देखिए हर खोखली चीज ना बहुत बोलती है, घड़ा अगर भरा हो तो आवाज नहीं करता, अगर खोखला तो उसमें आवाज बहुत आती। ये उसी तरह के बड़े, एक महज टीआरपी के लिए, उसे पता है कि मैं बुरी तरह हारूंगा, उसे पता है मैं योगी के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता, लेकिन उसको ये भी पता है, राजनीति का ये दांव भी पता है कि योगी के साथ चुनाव लड़ने खड़ा होऊंगा, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ खड़े हुए हैं और उनके सामने चुनाव लड़ूंगा तो इतिहास बनाऊंगा हार के भी है, योगी के सामने मैंने लड़ा था, ये बस यही टीआरपी के चक्कर में वो यहाँ गोरखपुर से है, वरना उसका कोई वजूद नहीं है। हाँ। मतलब पूरा सिख कौम जो है योगी जी के साथ। सिख कौम की आप क्यों बात कर रहे हो, आप सिख से साथ आओ। कल मैं कायस्थ सम्मेलन में था, महाराज जी के नॉमिनेशन के बाद मैं महाराज जी के साथ कायस्थ सम्मेलन में था, बहुत भीड़। उसके बाद आप लोग भी थे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में, मैंने आप लोग को भी देखा था, बहुत भीड़ नेपाल क्लब में। आप परसों हमें से मिले थे जब एक सम्मेलन था वहाँ पे, ये क्या बोलते हैं कार्यकर्ता सम्मेलन नेपाल क्लब में, आपकी टीम वहाँ थी, कितनी भीड़ थी। कल नॉमिनेशन में अमित शाह जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, अनुराग मेन, अरविंद मेनन जी जैसे लोग आए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, गोरखपुर की सड़कों पे क्या जलवा था, किस हर चौराहे पे किस वर्ग का आदमी ने योगी का स्वागत कर रहा था। कल सिर्फ सिख नहीं, यहाँ पे दलित हो, यहाँ पे यादव हो, यहाँ पे क्षत्रिय हो, यहाँ पे ब्राह्मण हो, यादव तो नहीं है सर, यादव थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे संगठन में, आप मेरे घर भी आ जाओ, मैं संगठन की अपनी फाइल दिखाता हूँ। कम से कम गोरखपुर सिटी में हमारे पास 14,000 से 15,000 यादव कार्यकर्ता हैं और विभिन्न पदों पे हैं संगठन की, और पुस्तों से, कई पुस्तों से वो भारतीय जनता पार्टी और योगी और नाथ पीठ के साथ उनका गहरा रिश्ता है, ये कहने की बातें हैं। और ये आपको 10 मार्च को दुख भी लोगे कि कौन किसके साथ है, शायद अखिलेश जी का राजनीतिक कैरियर ये चुनाव फिनिश कर देगा। तो हमारे राम की शरण में वो भी आएंगे, योगी शरण में, कहीं उनको भाजपा में ना आना, कृष्ण जी के शरण पे तो आ गए, वो तो राम जी के पास वो आएंगे। जातिवादी राजनीति करते हैं और कृष्ण को एक जाति के जोड़कर वो अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं भूलेगा राम भक्तों पे किन्होंने गोलियां चलवाई थी, धर्म पर गोलियां चलाने वाले आज धर्म के ठेकेदार बने वो भी किसने बनाया है, योगी के भय ही राहुल अखिलेश को आज जो मंदिर मंदिर घुमा रहा है ना वो योगी का ही भय है, योगी के काट। लेकिन सच कभी कटता नहीं है, सच कभी हारता नहीं है। मैं चाहती हूँ सर, वो जो आप लोगों का नारा है, वो जो बोले सोनिया, एक जोर